हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं टू व्हीलर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये है मेरे पास TVS जुपिटर का इंजन और आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग जो है इसको कैसे बांधना है और कहाँ पे कौन सा निशान रखना है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अगर कोई भी मैकेनिक पहली बार इंजन बांधता है तो थोड़ा सा सोचने में ज़रूर मजबूर हो जाएंगे वो, क्योंकि देखिए इसका टाइमिंग ही ऐसा है। ये जो टाइमिंग वाली गरारी है, इसका कुछ निशान जो इसके ऊपर हैं, ये कुछ हैं ही ऐसे है। तो मैंने भी पहली बार ये जब इंजन खोला था तो मुझे भी थोड़ा सा ये लग गए थे 10-12 मिनट, क्योंकि ये जो निशान इसमें दिए हुए हैं, कई निशान हैं, तो ये वाला मेन ये वाला निशान होता है तो मैकेनिक भाई जो होते हैं कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ये वाला निशान देखते हैं कि ये ऊपर को रखना है तो ऐसे मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टाइमिंग बांधना है। तो पकड़िए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका टोप है, ये आप देख पा रहे हैं ये और ये। तो ये पिस्टन जो है ये टॉप पे है बिल्कुल, और इधर भी आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए। तो चलिए अब मैं आपको बांध के दिखाता हूँ, पकड़िए। तो ये वाला निशान जो दोस्तों है, इससे थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि ये वाला निशान नहीं आपको इससे मतलब नहीं है। तो ये वाले निशान पे आप ध्यान बिल्कुल ना दें, और ये जो है इन पे आपको ऐसे ऐसे रखना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे पहले फंसा लेते हैं। तो ये हमने फंसा लिया है ये यहाँ पे, और ये है इसकी कैम। तो इस कैम को हमने फंसा लिया यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अगर आप वो जो निशान सा है वो अगर आप इस तरफ रखोगे तो यहाँ जो कैम का ये टाइमिंग है ये आउट हो जाएगा, और कैम हमारी ऐसे ही रहती है, चाहे वो कोई भी बाइक हो चाहे स्कूटर हो। तो ये वाली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैम इसकी जो है टॉप होती है, और इसमें मैं आपको दिखा दूँ, एक ये सुराख है जो, और एक ये है। तो ये वाला सुराख है जो इधर वाला, ये यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे, चलो ये तो सभी मैकेनिक भाइयों को पता होता, यहाँ पे ये बिल्कुल टॉप है। तो आपको ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके आपने सुराख कुछ भी नहीं देखने, सिर्फ आपको ये निशान ये जो बने हैं इनसे मतलब रखना है आपको। तो एक इसके सामने होना चाहिए और एक इसके सामने होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इसका जो टाइमिंग है वो बांध दिया है और इसके बोल्ट वगैरह हमने टाइट कर दिए हैं। तो ये देख पा रहे होंगे, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाले निशान पे ये यहाँ पे होना चाहिए और ये इसके सामने होना चाहिए। और अभी ये टाइमिंग चेन है जो हमने इसकी चेन टाइट कर दी है, तो ये जो है थोड़ा सा अंदर को दब गया है और ये थोड़ा सा इधर को है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, और ये जो गोल निशान है ये ऊपर होने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कई निशान हैं, इस जो ये टाइमिंग वाली जो गरारी है इस पे कई निशान हैं, इसलिए थोड़ा सा मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये ओके है। तो चलिए हम इसको फिट कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।